दो दिन से तबीयत खराब हो रही थी जब मैंने दिवाली का ब्लॉग डाला था। कपड़े लेकर आया, ये लाया हूँ, ये भी बढ़िया लगी। गाइस कमेंट में बताना कपड़े कैसे लग रहे हैं। पर अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दो दिन से तबीयत खराब हो रही थी जब मैंने दिवाली का ब्लॉग डाला था। उसके बाद उसकी रात को जब मैं एडिटिंग करके सोया, मैं जब सुबह उठा मुझे सांस नहीं आ रही, तेज नज़ला हो रहा बीच। मैंने सोचा चलो ब्लॉग बना ही लो, थोड़ा बहुत सही हुआ है। अब जाके आँखों में सब पानी, नज़ला और गला दुख रहा है। पता नहीं ये वायरल चल रहा है, सबको हो रहा है। गाइस कमेंट में बताना ये सबके साथ ही हो रहा है, खाली मुझे ही हो रहा है। सुनने में तो आ रहा है सबके साथ हो रहा है, वायरल चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी मेरी। दवाई ववाई खा के अब थोड़ा रिलैक्स फील हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। पर नज़ला बहुत तेज है, ये नाक मेरी बंद है कल परसों से, बिल्कुल बंद है नाक। अगर नाक का एकदम बंद है तो अजीब सा लगता है एकदम। दवाई ववाई खाऊंगा दोबारा सुबह की। अभी तो 11:30 बज रहे हैं, मैंने सोचा आप सबको बताई तो लोग इस वजह से नहीं आ रहा था। तो कहीं बाहर बाहर जाने का तो प्लान है नहीं, हालत ख़राब हो रही है। घर घर में ही दिखाऊंगा मैं आपको, तो क्या कर रहा हूँ घर में। तो कोई बात नहीं, जल्दी ठीक होते हैं फिर उसके बाद कहीं घूमने चलते हैं। हमने नाश्ता बना दिया। और गाइस दिवाली का व्लॉग कैसा लगा आप सबको? मतलब एंटरटेनमेंट आया, मज़ा आया, कमेंट में बता रहा। बहुत मेहनत लगी है उसे एडिट करने में, क्योंकि इतने सारे बम पड़े थे, हमने मिस हो रहा, कहीं कहीं से छूट रहा। तो मेरा बहुत दिमाग लगा के 2 बजे तक एडिटिंग करी, उसके बाद जाके वो व्लॉग मैंने सुबह अपलोड करा था। एडिट होने के बाद सब ने बहुत इन्जॉय करा, मज़ा आ गया, पर मेरी तो हालत ख़राब हो गई। चलो कोई बात नहीं गाइस, जल्दी ठीक होते हैं उसके बाद घूमने चलते हैं आपके साथ। मेरा नाश्ता आ चुका है, अब करते हैं नाश्ता, फिर उसके बाद गोली खाएंगे, दवाई खाएंगे। ये देखो आ गया, ठीक है, ये रहा मेरा नाश्ता। ये थोड़ा ऑमलेट जो है ना, थोड़ा ये कच्चा पक्का है, नज़ले में बहुत फ़ायदा देता है। तो डॉक्टर ने बताया था नज़ले में ये खाना और अदरक की चाय। तो भाई इसे खा के मिलते हैं, उसके बाद दवाई खाता हूँ मैं, थोड़ा माशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। तो खाते हैं इसे। नाश्ता हो चुका है अपना, अभी से रख के आते हैं। चलो उसके 10 मिनट बाद, हाँ 10 मिनट बाद उसकी गोली खाऊंगा, उसके 10 मिनट बाद गोली खाऊंगा। तो जिस किसी भाई को भी नज़ला वज़ला हो रहा है ना, वो कच्चा पक्का अंडा जो हाफ वो होता है ना, हाफ फ्राई, मतलब उसे थोड़ा वो कर देना कच्चा पक्का, और उसके साथ रख की चाय, बहुत फ़ायदा देगा इंशाल्लाह जिस भाई को भी नज़ला होता हो मेरी तरह। गाइस मैं आप सबको एक बात बताना तो भूल ही गया, ओहो बुखार में समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ। मैं आप सबको एक बात बताना तो भूल ही गया, कल मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी कल भी, तो मेरी कल की लाइसेंस की डेट थी ट्राई की। तो उसके बाद मेरी तो इतनी तबीयत ख़राब, इससे ज़्यादा हो रही थी, जितनी अभी हो रही है ना उससे ज़्यादा ही हो रही थी। तो मेरी फ़ोन आया वहाँ से, लाइसेंस अथॉरिटी से, लोनली अथॉरिटी में पड़ा था मेरा। तो वहाँ से फ़ोन आया, भैया आपके लाइसेंस की डेट आ गई है, और मतलब आप ट्राई देना आ जाओ। मैंने कहा ठीक है। तो मैं तालिब और एक गली में रहते हैं हमारे राजा चाचा, चाचा मानता हूँ ना, वो मैं कार लेके गया, मतलब इतनी तबीयत ख़राब में भी, मतलब मैं कार चला के लेके गया। और उसमें जाने के बाद
मेरा मैं गया था 10:30 बजे गया था और आया पता कितने बजे हूँ मैं 3 बजे। उसके बाद जो मैं थक के सोया हूँ सोया था रह गया फिर उसके बाद 3:30 बजे मैं सोया, उसके बाद उठा मैं 7:30 बजे, इतना लंबा गैप लेके सोया, आराम से फुल नींद हो गई पूरी, क्योंकि मैं 9 बजे उठ गया था ना, 10:30 बजे जाना था तो 9 बजे उठ गया था मैं। उसके बाद मैं हमें 1 घंटा हो गया लाइन में लगे 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 लगे, मैं कार में बैठा रहा ऐसे तबीयत ख़राब में। तो मेरा फिर मेरी बारी आई कि चलो करके दिखाओ टेस्ट। तो मैं कार में बैठा, बैठने के बाद मेरा दिल धुक 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 धुक, मैं कह रहा आज तो मैं फेल, मैं कह रहा आज तो मैं फेल फेल हो गया। तो मैं बैठा, मेरी बारी आई, कैमरे में मैंने देखा, मुझसे कह रहे अपना नाम बताओ, मैंने कहा मेरा नाम शाबान अहमद है। तो मैं गया, फिर मैं सबसे पहले तो मैंने सीधी लगाई, मतलब यूँ चले हम करके तो सीधा नहीं गया, फिर बैग लेके आते हैं एस बनाना पड़ता है, बैग ला के एस बनाना पड़ता है करके, एस बनाने के बाद फिर कार सीधी जाती है, सीधी होने के बाद फिर सामने एक बम्बू खुलता है, क्या कहते हैं उसे, तो 8 बनाना पड़ता है, 8 यूँ करके मैंने 8 बनाया, इतना बहुत बड़ा कार से गाड़ी से। तो मैंने 8 बनाया, 8 बनाने के बाद फिर रुक गया। उसके बाद फिर सिग्नल हुआ, ग्रीन सिग्नल, और वो खुला बैम्बू। तो उसके बाद मैं चला, ओवरटेकिंग का आया, फिर उसके बाद 3-2 हो गए, अब ओवरटेकिंग का मिला के हो गए 3। ओवरटेकिंग में यूँ काटी फिर यूँ रोकी 3, फिर एक रेड लाइट, पहले रेड लाइट हुई, फिर ऑरेंज लाइट हुई, उसके बाद ग्रीन लाइट होने के बाद 4 हो गए, फिर मैं चला, फिर मैंने यूँ करके कट लिया इधर को उल्टे हाथ पे, तो वहाँ पे पार्किंग बनी हुई कि गाड़ी, मतलब दो बारी में तो मुझे सीधी ले आके यूँ करके बैक पार्किंग लगानी है, और पार्किंग बहुत छोटी थी। तो मैंने करने के बाद मैंने गाड़ी लगाई, भाई साहब एक बारी में पार्किंग लगा दी। लगाने के बाद 3-4 सेकंड वहाँ रुकना पड़ता पार्किंग के अंदर, फिर चले, और फिर सामने लिखा था पास, मतलब तुम पार्किंग में पास हो गए, ठीक है आगे तक। फिर उसके बाद एक आती है ढलान ऊँचाई सी, आप सबको भी पता होगा एक ढलान आती है ऊँचाई। तो मैं वहाँ पर कार लेके गया, मैंने स्पीड में थोड़ी कार करी, स्टॉप लाइन होती है एक सामने दिख जाती है, वो आपको कार में बैठे हुए दिख जाएगी, अगर जिस किसी को भी बनवाना हो तो कार में बैठे हुए दिख जाती है। उसके बाद कार वहाँ रोकनी पड़ती है, रोको। तो मैं सोच रहा ब्रेक मारूं या हैंड ब्रेक, मैंने हैंड ब्रेक खींच दिया स्पीड में ले आके, मतलब मैंने हैंड ब्रेक खींच दिया तो गाड़ी रुक गई वहीं। फिर ग्रीन लाइट हुआ, आगे का सिग्नल चलो। तो भाई मैंने हैंड ब्रेक पकड़ रखा, एक्सेलेरेटर हल्का हल्का दबाया और क्लच छोड़ा, एकदम रेत दे दी, गाड़ी उठ गई पूरी एक बारी में, एक इतनी सी भी पीछे नहीं गई, क्योंकि अगर 12 इंच पीछे चली जाती मैं फेल हो जाता, मैंने 1 इंच भी पीछे नहीं जाने की। उतरने के बाद उसने एक इशारा करा पास, तुम्हारा भाई खुश। फिर उसके बाद बाइक का टेस्ट दिया, बाइक का टेस्ट देने के बाद 20 जने थे 20 जने, 20 में से 5 जने पास हुए, 6 मुझे मिला के, 6 जने पास हुए। तुम्हारे भाई ने यूँ कर दिया एक बारी में दोनों टेस्ट, यानी कितने बंदे 1 महीने में वो लेकर आते तारीख, फिर एक फेल हो गया, फिर तीसरी बार में फेल हो गया, तुम्हारे भाई ने एक बारी में दोनों टेस्ट कर दिया। मुझे तो बड़ी खुशी हुई, पर मज़ा आ गया, 6 दिन में मेरा लाइसेंस मेरे पास आ गया था, मेरा लाइसेंस बन चुका है, और पहला टूर मारेंगे अमरीक सुखदेव का मूर्थल का अपने दोस्तों के साथ में, तब आपको ब्लॉग में दिखाऊँगा सारी, कितना मज़ा आएगा सारे दोस्तों के साथ। तो गाइस तुम्हारे भाई की तबीयत हो गई है बिल्कुल बढ़िया, अल्लाह का शुक्र से मैंने दवाई ववाई खा के आराम से मैं सो गया था, तो दवाई ने अपना असर कर दिया था। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले ही मतलब बाहर गया, मैं कपड़े लेकर एक शर्ट ये लाया हूँ, ये भी बढ़िया लगी, और एक पैंट ये लेकर आया हूँ, ये देखो। तो गाइस मेरे दोस्त की ज़रा शादी आ रही है, उसके लिए हम शॉपिंग कर रहे हैं फुल, और एक शर्ट इसमें है, ये एक ब्लैक शर्ट लाया हूँ। गाइस कमेंट में बताना कपड़े कैसे लग रहे हैं, पर अम्मी तो यूँ कह रही हैं कि ये वाला कलर अच्छा नहीं लग रहा, ब्लैक तेरे पे बहुत सारी हो रही हैं, ये वाला अच्छा लग रहा, पैंट भी बढ़िया लग रही है। अब मैं सोच रहा हूँ ज़रा ये ब्लैक शर्ट बदल के आऊँ, उसके बाद कोई नया कलर लेकर आऊँ बढ़िया सा। तो अब मैं बाहर बदलने जा रहा हूँ, तो उस शर्ट का कलर फिर आपको दिखाऊंगा कैसे कलर की लाता हूँ, बढ़िया शर्ट लाऊंगा, ब्लैक कलर नहीं लाऊंगा, देख के लाऊंगा।
तो गाइस मैं ले आया अपनी शर्ट एक और बदल के, तो ये देखो ले आया वाला कलर। बताइयो बताइयो माल माज कलर बताइयो कैसा लग रहा मुन्नो, कलर बताइयो कैसा लग रहा है शर्ट का। देखो गाइस मेरी मेरी शर्ट, तो कमेंट में बताओ है उससे अच्छा लग रहा है ब्लैक वाली से। चलो तो गाइस बच्चे को भी घर वालों को भी सबको पसंद आ गया, मैं खोल कर दिखा देता हूँ। देखो मुझे तो अच्छा लगा पर्सनली। चलो कोई बात नहीं, अभी यही पहनेंगे शादी में। पूरी शॉपिंग हो गई अपनी डन। अभी मुझे अपना एक प्रिंस कोट सिलवाना है जाफराबाद से, मेरे जानने वाले मुझे सिलवाऊंगा जाफराबाद से प्रिंस सूट। मैं पहले सोच रहा था कोट सिलवाऊँ, उसके बाद मैंने सोचा यार कोट यार इतना, मेरा एक ब्लू रखा हुआ बड़ा बेहतरीन वो भी बढ़िया है, वो ऐसे ही रखा कोट है, तो मैंने सोचा प्रिंस सूट सिलवाऊँगा बढ़िया ब्लैक कलर का। आपको दिखाऊँगा कैसा सिलवाऊँगा, ठीक है। कल वल मैं परसों देखूँगा जाऊँगा जाफराबाद, ब्लॉग बना दूँगा पूरा उसका और आपको दिखा दूँगा पूरा डिटेल में कैसा सिलवा रहा हूँ कितने का सिलवा रहा हूँ। ये शॉपिंग हो चुकी है पूरी डन। अभी से हाँ हाँ कर देंगे यार, कहने की जरूरत नहीं, कर देना बच्चा कह रहा। और मेरे एक ये किसमें रखे हैं कपड़े, ये तो मैं अभी नहीं पहनना, शादी में नहीं पहनूंगा तो बाद में पहनूंगा। ये मैं लाया था अभी कुछ दिनों पहले और ये मैं टांगता हूँ नए वालों को यहाँ पे। शिट अबे यार पूरी अलमारी ना यार बंद भी हो जाएगी नहीं है, देखता हूँ बंद करके। हो गई भाई बंद, हल्की सी खुल ली है बस। तो ले आया मैं अपने कपड़े, मज़ा आ गया कपड़ों में, मज़ा आएगा पहनने में भी और भी ज़्यादा। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना। और मैं लेटा हुआ अपना कल दिवाली वाला व्लॉग देखो, ये देखो मेरा दिवाली वाला व्लॉग। और अगर किसी ने देखा ना उन्होंने तो देख लेना यहाँ के, बहुत मज़ेदार व्लॉग है, बहुत एंजॉय आया था। हमारे बुलेट बम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर ये व्लॉग पसंद आया तो उसको लाइक ज़रूर करना और जल्दी से वर्क कंप्लीट करवा दो यार, क्या हो रहा है यार, कितने मेहनत कर रहा हूँ बड़े बड़े वीडियो बना रहा हूँ फिर भी यार वर्क तो कंप्लीट करवा ही दो यार। कमेंट भी कर दिया करो और ये भी बता दिया करो कहाँ का व्लॉग बनाऊँ कहाँ का नहीं बनाऊँ किधर जाके बनाऊँ। तो चलो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।